जय श्री राम। और ये थोड़ा एक स्पीड ब्रेकर दिखा रही हमको, कम नहीं है। ये छोटा बच्चा मुड़ के देखा भाई, नहीं दे रहा है भाई, भगाने दे मेरे को। एक तो इतने दिन बाद गाड़ी चलाओ और भगाओ भी नहीं। और ये पावर और ये एग्जॉस्ट अदर, और ये हमारे फ्लैशेक्स जैसे कि आप देख सकते हो। फ्लैशेक्स लगाने के बाद काफ़ी बाइक में मज़ा आने लग गया, जैसे कि ये टेल वाला लाइट और पीछे के इंडिकेटर काफ़ी सही दिख कर आते। वेलकम टू अवर चैनल D17 व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग, बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। और भाई ये जैसे कि आप चाबी देख रहे हो, ये अपनी खुशी की चाबी है, और ये अपनी खुशी जो है ये यहाँ पे गोकू। तो इसका कवर अवर निकाल के हम लोग ने एक्टिवा में ट्रांसफ़र कर दिया, और भाई रात के टाइम आज अब निकले हैं। तो गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। ये देखो भाई, ये सामने देख रहे हो, पूरी चमक रही है भाई गाड़ी अपनी। और बारिश बंद हो चुकी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बारिश बंद हो गई और भाई अपने मज़े चालू, क्योंकि अब गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होगी ना, बहुत धोना पड़ा है भाई बारिश में, बहुत गाड़ी धोया हूँ। तो अब इसको सबसे पहले हम कूल स्टार्ट करते, फिर हम बताते हैं भाई आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हो गया स्टार्ट, जय श्री राम। आज मैं इस गाड़ी को करीबन 4 दिन बाद निकाल रहा हूँ। अभी आपको व्यू कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बस मैंने अंदाजी कैमरा सेट कर दिया है। तो करीबन मैं इसको 4 दिन बाद निकाल रहा हूँ, तो निकालना चाहिए, बिकॉज मैं इसको निकालता ही नहीं ज़्यादा, बिकॉज मैं सिर्फ अपनी एक्टिवा यूज़ करती, जैसे आप वहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ अपनी एक्टिवा यूज़ करता हूँ और इसको बहुत रेयर यूज़ करता हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे एक छोटे से राइड पे, क्योंकि मैंने नाइट का व्यू कैप्चर ही नहीं किया, यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ ही नहीं है नाइट के टाइम में गोकू के साथ। ओके, फ्यूल रेंज देख सकते हो भाई, 47 की माइलेज दे रही है। अब इसका हम लोग फ्लैशर चालू करते हैं, 1 2 3 4। ये फ्लैशर भी चालू हो गया, अब बस अभी हम लोग इसका इंजन हीट अप होने का वेट करते हैं। पर हमारे सब्सक्राइबर्स हमें ऊपर से देख रहे हैं, तो एक बार इसे हीट अप हो जाए, फिर ऊपर से जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जा, बहुत वेट पूरा है ना इसका, काफ़ी ठंडा है एंड काफ़ी साइलेंट है। एग्जॉस्ट इसका इधर है। ओके, तो अब निकलते हैं, जय श्री राम। और यहाँ पे फुटबॉल मेरे पास आता हुआ, तो लेट्स गो। तो ये था हमारा लॉन्च। और मुझे अभी ना कुछ 2-3 दिन से है ना, इसमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, मतलब सीन क्या हो रहा है ना, कि मैं जब इसको लॉन्च करता हूँ ना, तो थोड़ा वेट लेता है ये, मतलब थोड़ा रुक जाता है, जैसे कि अब मैं इसको इसमें नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरे को एक बार शोरूम विज़िट करना पड़ेगा इसको लेके, बिकॉज़ ये थोड़ा सा टाइम लगा दे, कुछ जो सेकेंड्स का फ़र्क होता है ना, मिली सेकेंड्स वाला फ़र्क, ये फ़र्क दे रहा है, बट मुझे ये फ़र्क नहीं चाहिए, बिकॉज भाई कोई RS 200 वाला मिल गया तो अपने को। तो गाइस हवा भरवा लेते थोड़ा, बहुत दिन हो गया आई थिंक सो, क्या ऐसे ही थोड़ा चलाया नहीं था ना बहुत दिन से है। 5 रुपया छोटा है क्या तेरे पास? हाँ ठीक है, जा करता हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ा जा रहा हूँ आगे, नहीं ऐसे ही राउंड मारने, क्या वहाँ है क्या? ठीक, ऑल राइट। तो हवा भरवा लिया, मैं जब अभी गाड़ी राइड कर रहा था तो मेरे को थोड़ा बहुत है ना उसका हैंडल मुझे थोड़ा वन साइड लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब वन साइड लगने का कारण ही होता है कि शायद पंचर हो। तो गाइस अभी हम आ चुके थोड़ा स्टेशन साइड, तो ये चेक करो भाई, ये चेक करो, वो चेक करो भाई, ये वाली लाइन मुझे बहुत सही लगती है। एंड वो जो जो ट्यून निकल कर आता है ना भाई, पुलिस वो
से भाई आराम से। अभी तो अपने पास एग्जॉस्ट भी नहीं है भाई, किस लिए पकड़ेगी पुलिस अपने को। पहले तो अपने को डर भी रहता था कि अपने पास एग्जॉस्ट है, बट अभी तो कोई एग्जॉस्ट नहीं अपने पास। और थोड़ा लाइटिंग वाले एरिया में आया तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट अभी लड़कियाँ ही नहीं मिलती रिएक्शन लेने के लिए यार। अब बाइक हो गई ना, अब रिएक्शन, अब लड़कियाँ थोड़ी मिलेगी रिएक्शन लेने के लिए। कुछ भी पहले जब एक्टिवा थी तो ऐसा लगता था यार बाइक हो जाए, रिएक्शन पे रिएक्शन लेंगे। तो ये वाला थोड़ा एरिया अच्छा है, हम लोग अभी यहाँ टर्न मारते, तो यहाँ टर्न मार लिया। यहाँ पे थोड़े लगता है माहौल जमा हुआ है। ये चेक करो, ये गार्डन चेक करो गाइस, ये गार्डन चेक करो। बहुत ही जल्द आपका भाई इंस्टा 360 लेने का प्लान कर रहा है, तो जितने भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं ना, गोप्रो नहीं देख पाता वो अभी मेरा इंस्टा 360 देखेगा। तो प्लानिंग कर रहे हैं भाई, अब देखो कब लेते हैं, बिकॉज भाई उसके लिए लगता है पैसा, जो कि अपने पास फ़िलहाल तो नहीं है। बहुत जल्दी कोई बैंक लूटेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है भाई। और ये रोड पे हम लोगों ने ना यूसंग G250R का रिएक्शन कैच किया था, ये काफ़ी यादगार रोड है। पर अभी भी थोड़ा एरिया लाइटिंग में, थोड़ा अंधेरे में, तो आगे तो एक राउंड मार के आते हैं। तो अब नहीं उड़ूंगा भाई, गलती बार बार नहीं होती है। तो वो ये वाला स्पीड ब्रेकर था, मुझे यहाँ से, अच्छा हुआ यहाँ से भी नहीं निकाला, क्योंकि ऐसे जब टाइम पे स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ आज कुछ रिएक्शन मिलने वाले है नहीं, जो भी कुछ था यही था। देखा अब ये भी नहीं घूम के देखी भाई, क्या बोले अब, नहीं अभी ये वाले आवाज़ में कौन घूम के देखेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है वो एकरा वैकरा होता था ना, तो उसमें लोग घूम के काफ़ी देखते थे। ठीक है, फिर भी अपनी बीस्ट किसी से कम नहीं है। ये छोटा बच्चा मुड़ के देखा भाई, ये छोटा बच्चा मुड़ के देखा, भगाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। वुमेन हाथ पकड़ लो भाई। मैं तो बिना हाथ के स्पीड ब्रेकर निकालने गया, बट भाई वुमेन से कभी भी 10 कदम दूर रहे, कभी भी। और ये कार वाला मुझे भगाने नहीं दे रहा है भाई, भगाने दे मेरे को। एक तो इतने दिन बाद गाड़ी चलाओ और भगाओ भी नहीं, तो अब भगाऊंगा ना भाई। तो और ये पावर, और ये एग्जॉस्ट, और ये कौन है भाई? हाँ, वुमेन हो या अंकल हो भाई, सबसे बच के रहो। और हम एक डन मारते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है, और ये लॉन्चिंग करने के रोड बहुत भारी है। ये एक रोड अच्छा था। और भाई यहाँ पे देखो भाई, जलवा, ये होता है जलवा भाई, मज़ा आ गया, जो भी कुछ था मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग एक लाइट के नीचे रुकते हैं, ये साइड की लाइट के नीचे रुकते हैं, क्योंकि ये साइड से सामने से गाड़ी आएगी तो हमको पता चल जाएगा। और गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई, देख लो, सॉरी आवाज़ ही नहीं आया, जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी खड़ी की थी तो आवाज़ आई थी। और काफ़ी हीट अप हो जाती है भाई गाड़ी, KTM की गाड़ी जितनी भागती है ना उतना उससे ज़्यादा गर्म भी होती है। तो काफ़ी मज़ा आया भाई रात के टाइम पे इसको राइड करने का, काफ़ी चमक के दिख रही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही पॉलिश किया था और वॉश किया था, तो आई थिंक मैं थोड़ा और लाइट में आ जाता हूँ, क्या पता आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा घूमने वाला स्पॉट है भाई, जब हमारे पास बाइक नहीं होती तो हम लोग चल के बस ये स्पॉट पे घूमते। तो गाइज आपको ये नाइट वाली वीडियो कैसी लगी जरा ज़रूर कमेंट करके बताओ, ऐसी वीडियो डालू कि नहीं डालू। और ये हमारे फ्लैशेक्स, जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लैशेक्स लगाने के बाद काफ़ी बाइक में मज़ा आने लग गया, जैसे कि ये टेल वाला लाइट और पीछे के इंडिकेटर काफ़ी सही दिख कर आते। तो ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करते भाई, खाना खाने का भी टाइम हो गया, 9:30 बज गए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते किसी और ऐसे नई वीडियो के साथ। तो गाइज तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।